हेलो फ्रेंड्स, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिर्फ चार आलू से इतना टेस्टी नाश्ता बना के दिखाऊंगी कि इसे खाने के बाद आप बाकी के जो कटलेट्स हैं वो भूल जाएंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है, और ये टूटने के खुलने का तो झंझट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ना, आपके भी ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, क्योंकि ना ही ये फटते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में बनाइए, सब बहुत पसंद से इसको खाएंगे। आप घर में कोई पार्टी हो या कोई फंक्शन हो तो आप इसको बना सकते हैं, और इसका टेस्ट के तो क्या कहने। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। तो यहाँ पे मैंने चार आलू लिए थे, उनको मैंने अच्छे से उबाल लिया है, मैश कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर से इनको कस भी सकते हैं। तो बस अब हम ये हल्के से गर्म होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। इनको मैंने एक बड़े बाउल में डाल लिया है, और अब मैंने यहाँ पे चार ब्रेड ली है। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया, आप चाहें व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। तो बस अब हम इनका क्रम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे और जार में हम डाल देंगे। मार्केट में रेडीमेड क्रम भी आता है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको घर पे भी तैयार कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस अब हम इसके लिड लगाएंगे और इसको हम मिक्सी में अच्छे से इसको हम इस तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ब्रेड क्रम तैयार हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो आलू हैं इसमें हम ये डाल देंगे। तो चार आलू में मैंने चार ब्रेड ली हैं, यहाँ पे दो से तीन हरी मिर्च ली है। तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच यहाँ पे मैंने नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, और एक चम्मच यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, एक नींबू लिया है इसका हम रस डाल लेंगे। अगर नींबू ना हो तो आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है। बस अब हम इनको हाथों से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें हमें जब तक अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि जब हम इनको थोड़ा सा बाइंड करके देखेंगे ना, तो इस तरह से ये लड्डू बन जाएगा। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए मिक्स कर लिया है मैंने इसको अच्छे से, और ये देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रही हैं। इसी तरह से हमें बस इसका कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो अब हम यहाँ पे एक बटर पेपर लेंगे, और यहाँ पे मैंने ऑयल लगा दिया है, और जितना हमारा आलू का ये मिक्सचर है वो हम इसके ऊपर रख के इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे, और इस तरह से हम इसको एक सार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी प्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक बटर पेपर और रखा है, और यहाँ पर हम इस तरह से बेलन से इसको एक सार कर लेंगे, इस तरह से बेलते हुए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ कटर हार्ट शेप का, आप चाहें तो गिलासी, ढक्कन, कुछ भी आप ले सकते हैं और इसको शेप दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसे इसको गोल भी बनाना है तो इसको लड्डू वाली शेप दे सकते हैं, या ब्रेड रोल वाली शेप दे सकते हैं। तो आज मैं इसको हार्ट शेप दे रही हूँ, और बस इसमें हम थोड़े से इस तरह से तिल की इस तरह से कोटिंग कर लेंगे, तो थोड़ा सा हमारा ये डिफरेंट भी होगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता ही है बच्चों को नए नए डिज़ाइंस की खाने की चीज़ें कितनी पसंद होती है। तो बस अब हम क्या करेंगे, ये करके हम इसकी सबकी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए हमारे सारे कटलेट रेडी हो चुके हैं। अगर आपके पास कटर है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ब्रेड रोल या फिर गोल की शेप भी दे सकते हैं। और ये लीजिए हमारे ये सारे जो हैं कटलेट तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। ऐसा करने से हमारे जो कटलेट हैं वो क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो बस इसको हम रख देंगे। यहाँ पे मैंने ये देखिए ब्रेड रोल वाले शेप के भी बनाए हैं, तो इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पे हम ऑयल गर्म कर लेंगे जब तक। तो ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। और अब हमने फ्रिज में से इसको निकाल लिया है, जो एक्स्ट्रा तिल है वो इस तरह से तिल में अलग हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो बस इस तरह से हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई करेंगे, ये देखिए। और बस इसको हम इस तरह से नीचे की साइड से सिकने के बाद पलट लेंगे। एकदम से हमें इन्हें नहीं पलटना है, नहीं तो हमारे जो हैं ये कटलेट टूट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो कटलेट था उसको मैंने करके देखा थोड़ा जल्दी, तो मेरा वो टूट चुका था, इसलिए हमें इनको ज़्यादा जल्दी जल्दी पलटना नहीं है। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मैंने बहुत जल्दी इसको पलटने की कोशिश करी थी, इसलिए वो टूट गया था। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सारे कटलेट को नीचे से सिकने के बाद हम इनको इस तरह से स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे, ये लीजिए। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी हम कोई स्नैक्स बनाते हैं तो उसको तलने के बाद सीधा प्लेट में मत रखिए, स्ट्रेनर पे रख लीजिए, या फिर दूध वाली जो छलनी होती है ना उस पे रख लीजिए, इससे हमारे जो कटलेट्स हैं जो भी स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी बने रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी शेप्स के भी इसमें डाल दिए हैं, और हमने इसमें बीच में हार्ट शेप के भी डाल दिए हैं। तो बस इस तरह से हम इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे
अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए जब नीचे की साइड सिक जाए तो इस तरह से हल्का हल्का इनको हम पलट लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं इसमें कोई, अगर आप बहुत ही जल्दी से इसको छेड़ेंगे ना तो ये हमारे टूट सकते हैं। जब नीचे से साइड अच्छे से सिक जाए तभी आप इसको पलटिए। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे तैयार होते हैं, और जल्दी जल्दी पलटने से हमारे जो कटलेट हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए नीचे की जो साइड है वो अच्छे से आप इसको सिकने दीजिए। तो लीजिए हमारे ये अच्छे से पक चुके हैं, और ये आप देख ही रहे हैं मैं बहुत ही आराम से इसको इस तरह से पलट रही हूँ। ये लीजिए गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल हाई पे से नहीं तलना होता, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से ही सिक जाएंगे। तो इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ही जब भी स्नैक्स बनाएं तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं। तो बस अब बारी है इसको सर्व करने की। तो आप इसको सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर ऐसे भी खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमारे गर्मा गर्म हार्ट शेप के कटलेट तैयार हो चुके हैं, और ये ब्रेड रोल वाली शेप के भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो जो भी आपको शेप पसंद हो कटलेट को वो दीजिए और बच्चों को खुश कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अपने ब्यूटीफुल हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ऐसी ढेरों टेस्टी खट्टी मीठी चटपटी रेसिपीज को देखते रहने मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।